अस्सलाम वालेकुम और हिंदू भाइयों को नमस्ते। सऊदी अरब के अंदर बहुत लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत भी हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हैं, मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। ये तो दुनिया में इस तरह के लोग हर जगह ही हैं, लेकिन जो लोग इधर से नए जाते हैं और वो गलत लोगों में फंस जाते हैं मजबूरी में, कि भाई एक बार आप चले गए, पासपोर्ट वहाँ पर जमा हो गया और आप जो है अब उन्हीं के कहने में रहेंगे, तो वो ये सोचते हैं कि यार एक बार ये एग्रीमेंट पूरा हो जाए तो मैं तो घर चला जाऊँगा, फिर वापस नहीं आऊँगा। तो ऐसे लोगों पर सऊदी सरकार कम से कम 3 से 4 साल का बैन लगाती थी। यानी मैं काम कर रहा, वहाँ पर वीज़ा है, मैं छुट्टी आया और वापस नहीं गया। कुछ तो इस डर की वजह से नहीं जाते थे कि वे लोग अच्छे नहीं मिले मुझे, कुछ लोगों की मजबूरियाँ, किसी की बहन की शादी का मसला रहता था या कोई अपने घर बनाता था या कुछ और औलाद की वजह से यहीं रह जाते थे, तो उन पे 3 से 4 साल का बैन था जो लोग छुट्टी आते थे। लेकिन रात सऊदी सरकार ने ये जो कानून है, ये जो रूल्स है, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। यानी अगर जो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत है तो आप छुट्टी आ गए और आप नहीं गए तो आप नए वीजे पे जा सकते हैं, नए वीजे पे। और बहुत हैं ऐसे लोग जो वहाँ पर मजबूरी में काम करते हैं, एग्रीमेंट हो जाता है, परेशानी में काम करते हैं और वो यही सोचते रहते हैं कि यार एक बार बस मैं घर चला जाऊं, फिर नहीं मैं आऊँगा। लेकिन कुछ लोग उनमें ऐसे भी होते थे जो लोग बेइंतहा मजबूरी के शिकार थे, यानी उनको वहाँ पर गलत आदमी भी मिल गया, काम भी अच्छा नहीं है, वो छुट्टी आए फिर भी चले जाते थे क्योंकि यहाँ की मजबूरियाँ उनको धकेलती थी कि जाओ जाओ जाओ। उनके लिए बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर जो आपका मन नहीं है वहाँ पे काम करने का तो आप नए वीजे पे दोबारा से सऊदी अरब के अंदर जा सकते हैं अपने चॉइस का वीज़ा लेकर। बहुत अच्छी खबर है और ऐसी खबरों से समाज को, दुनिया को, मजबूर लोगों को, अच्छे लोगों को एक सहूलियत मिलती है, एक संजीवनी का काम करती है। यानी जो लोग हम पर बड़े होकर हम पर धौंस चलाते हैं या हम पर वो एक तानाशाही मान लीजिए करते हैं कि यार अब तो ये मजबूर है और इसी के ही अब इसी से काम लेना है, अपने अंडर में इसको रखना है, तो शायद उनको थोड़ा बहुत सरकार ने झटका दिया है कि जिन लोगों को वहाँ का काम पसंद नहीं है, जिन लोग मजबूरी में हैं, छुट्टी में आ गए और वो वापस जाना चाहते हैं और उनको अब कोई भी जाने में गुरेज नहीं है, वो नया वीज़ा लेकर फिर से सऊदी अरब के अंदर एंट्री कर सकते हैं।